It's been a week now since I have watched the end game and अभी तक मैं अपने feelings और emotions को एक जगह पर focus नहीं कर पा रहा हूँ because that's how influential all these characters are. मैंने literally 2-3 दिन अपना Facebook, Twitter, Reddit सब बंद करके रखा था कि कहीं से मुझे कोई spoiler ना मिल जाए. Bro, एक spoiler दूँ क्या? But you know, spoilers are like cobwebs. कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाते हैं. कुछ ओवर स्मार्ट चूतिए लोग हैं जो पता नहीं कहां से कोई लीक्ड सीन स्टोरीज में डाल रहे थे, स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे थे. यू नो दीज टाइप ऑफ पीपल, ये वही लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में कुछ पता नहीं होता, इन्हें बस सोशल मीडिया में कूल दिखना है. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. रिसेंटली जब स्टैन ली का डेथ हुआ तब हमारे कॉलेज के एक बंदे ने पोस्ट किया था, Oh my God, Stanley is dead now. This is so bad. I will miss him so much. Bro, तुझे पता भी है Stanley कौन है? हाँ पता है ना bro. वही Mission Impossible का director ना. Anyway, मैं फर्स्ट डे को फिल्म हॉल में पहुंचा एंड देयर वाज लाइक अ माउंटेन ऑफ पीपल गैदरिंग अराउंड, चाहे वो 10-12 साल के बच्चे हो या 30-40 साल के आदमी. आई नो दिस क्रेज वुड साउंड कम्प्लीटली स्टूपिड फॉर पीपल जिन्हें मार्वल मूवीज पसंद नहीं है या उन्होंने कभी देखा ही नहीं है. देयर वाज दिस गर्ल आई मेट फ्यू डेज अगो, शी वाज लाइक आई डोंट नो लोग इतने फालतू चीजों को लेके क्यों एक्साइटेड रहते हैं, आफ्टर ऑल दे आर जस्ट इमेजिनरी कैरेक्टर्स राइट. यू नो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि लोग कभी भी इन सुपर हीरो मूवीज के ब्रॉड पर्सपेक्टिव को नहीं देखते, दे ओनली सी व्हाट शोन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. बिकॉज ये सुपर हीरो मूवीज सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं बल्कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाती भी हैं. सुपर पावर, क्या है ये सुपर पावर? वही जिससे तुम आसमान में उड़ सको या पूरा का पूरा बिल्डिंग एक हाथ से उठा लो? नहीं, सुपर पावर इज अ माइंडसेट जिसके बाद तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिर्फ तुम ही तक लिमिटेड नहीं है. तुम चाहो तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ लोग या इवन पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. बिकॉज यू सी ऑल दीज कैरेक्टर्स, किसी को भी अपने पावर्स ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल गए, चाहे वो आयरन मैन हो या थॉर हो, सभी को बहुत सैक्रिफाइसेस करना पड़ा, बहुत दुख झेलना पड़ा, तभी जाके वो आज इतने पावरफुल बन चुके हैं. मैं मानता हूँ कि ये सारे इमेजिनरी स्टोरीज हैं, बट रियल लाइफ में भी तो यही अप्लाई होता है ना. जब तक कोई स्ट्रगल नहीं करता तब तक ही और शी नेवर अचीव देयर ड्रीम्स. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई एक सुपर पावर है जो तभी सामने आएगा जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे. बचपन में आई हैड दिस रियली बैड हैबिट ऑफ कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर पीपल, चाहे वो ग्रेड्स को लेके हो या किसके पास कितना महंगा पेंसिल बॉक्स है, स्पेशली माई हाइट. मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर था अपने हाइट को लेके. एवरी वेयर आई गो आई यूज टू कंसोल माई सेल्फ, ये तो बस मेरे से 2 इंच लंबा है और ये तो मेरे ही हाइट का है और ये कौन है? ओ माय गॉड. बट देन दीज मूवीज समहाउ टॉट मी कि यहां जैसे हर एक कैरेक्टर के पावर्स अलग है, इफ हल्क हैज मसल्स आयरन मैन हैज ब्रेन्स, इसी तरह वी शुड नेवर कंपेयर आवरसेल्व्स टू एनी अदर पर्सन. यू सी ऑल दीज कैरेक्टर्स सभी एक दूसरे से कितने अलग है, कोई ज्यादा पावरफुल है कोई कम पावरफुल है, हूएवर इट इज, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट स्टूपिड आर्गुमेंट, बट नो मैटर वॉट इन अ बैटल फील्ड ऑल ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव. एंड एक और चीज जो मुझे मार्वल मूवीज के बारे में पसंद है, टीम वर्क. नोटिस करना, कोई भी एवेंजर चाहे कितना भी पावरफुल हो कभी भी किसी विलन को अकेले नहीं हरा पाता, बट वंस एक बार जब वो सारे मिल जाते हैं देयर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बाय 10 times, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है हम सभी के लिए कि अगर हम सब मिलकर काम करें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी पर्सनल ईगो. मैं उन लोगों के साथ क्यों काम करूं, मुझे वो लोग पसंद नहीं है, आई एम बेटर देन देम. Don't be that kind of a person, okay?
I was a silent and introverted kid. I mean, I still am, but धीरे धीरे ये मुझे समझ में आ गया कि I need to have people around me. Obviously not the cancer people, but good people. And I really believe if you have good people around you, you can achieve big things in your life. So I guess that's it. बस यही कुछ चीजें थी जो मार्वल ने मुझे आई गेस सभी को सिखाई है एंड इवेंचुअली इट मेड मी अ बेटर पर्सन. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, कमेंट करके बताओ मुझे अपना फेवरेट एवेंजर एंड ऑल्सो टेल मी व्हाई. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.